हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्रोटीन और विटामिन से भरपूर पनीर और ब्रोकली की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये है 1/2 kg ब्रोकली, इसे छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से काट लिए हैं। और ये है इसका सॉफ्ट वाला डंठल, इसे भी काट लेंगे और इससे भी सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है, तो इसे भी सब्जी में डालेंगे। और 1 कटोरी क्यूब में कटा हुआ पनीर, आज पनीर और ब्रोकली मिक्स करके बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले पनीर फ्राई करके निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में रिफाइन ऑयल लेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ पनीर। पनीर बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा गोल्डन लेयर आ जाए इतना ही फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो गया है, गोल्डन दिखने लगा है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। पनीर निकाल लिए हैं, अब बचा हुआ तेल में ब्रोकली फ्राई कर लेंगे। ब्रोकली पहले से अच्छे से धोकर इसका सारा पानी सुखा लिए हैं। अब इसे चलाएंगे और हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। ब्रोकली बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ब्रोकली अच्छे से भून गया है, हल्का हल्का सॉफ्ट भी हो गया है, अब इसे भी निकाल लेंगे। अब उसी बर्तन में लेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग। जीरा भुन गया है, अब डाल देंगे 2-3 कटा हुआ हरी मिर्च और डालेंगे 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज भून लेंगे गोल्डन होने तक। बहुत झटपट बनके सब्जी तैयार हो जाता है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टेस्टी और आसान सा रेसिपी कैसा लगा। प्याज गोल्डन ब्राउन भून गया है, अब फ्लेम लो कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम तीखा लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला या मीट मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में कलर बहुत सुंदर आएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब मसाला 1 मिनट के लिए भून लेंगे, इसका कच्चापन जाने तक। मसाला लगभग 1 मिनट भून लिए हैं, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 बड़े साइज का टमाटर। अब इसे अच्छे से मसाला के साथ मिक्स करेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक बार टमाटर के साथ नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है और मसाला अच्छे से भून गया है, मसाला से बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा कटोरी ग्रेट किया हुआ पनीर, इसके जगह पे आप ताजा फ्रेश दही ले सकते हैं। वैसे थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर डाल देने से ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और ग्रेवी एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा बनता है, तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पनीर 2 मिनट भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। ग्रेवी बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है। वैसे आप अपने पसंद से थोड़ा सा पतला या गाढ़ा बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राई किया हुआ ब्रोकली डाल देंगे, ब्रोकली ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी ढक देंगे और एक उबाल आने तक पकने देंगे। सब्जी में उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे ये फ्राई किया हुआ पनीर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 5-6 मिनट सब्जी पकते हो गया है। अब सब्जी एक बार चेक कर लेंगे। वैसे ब्रोकली बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा देर तक इसको नहीं पकाना रहता है। एक ब्रोकली उठाएंगे इस तरह से और दबाकर देखेंगे
देखिए अच्छे से पक गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे और डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। सब्जी हमारा बनके तैयार है। अब आप इसे रोटी, चावल या पूड़ी पराठे के साथ सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा।